तो आज के हमारी VVMI पे प्रोग्रामिंग में हम सेकेंड ऑब्जेक्ट जो कि है सीट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक की क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किए थे, चार मेनली ऑब्जेक्ट हमने बताया था लास्ट क्लास में, जिसमें वर्कबुक था, शीट था, रेंज था एंड एप्लीकेशन था, राइट। तो हमने एप्लीकेशन को फिलहाल होल्ड किया हुआ, बीच बीच में इसके बारे में हम जानते रहते हैं। हमने वर्कबुक में बारे में जाना कि वर्कबुक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, इनकी कोड्स हमने जाने। अब बारी है सीड्स कि सीड्स को कैसे कॉल करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में। देखिए सीड्स जो हमारे होते हैं बेसिकली उसको दो नामों से जाना जाता है, जो भी हमारे सीड्स होते हैं उसको दो नामों से जाना जाता है। ओके देखिए जो सीड का यहां पे नाम दिख रहा है इसको बोला जाता है कैप्शन नेम, और यहां जो दिख रहा है इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी नेम। कैप्शन नेम, प्रॉपर्टी नेम, अभी दोनों सेम है सीट वन, और आप देख पा रहे हैं कि सीट वन। लेकिन मान लीजिए मैं इसको जैन कर देता हूं, जैन, तो आप देखेंगे यहां ऊपर में कि सीट वन ब्रैकेट में जैन है। तो जो ब्रैकेट में है उसको हम लोग कैप्शन नेम कहते हैं। अब चलिए हम इसके बारे में कुछ कोड जानते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे सीट की कॉलिंग मेथड। मुझे अगर किसी सीट पे जाना है या किसी सीट पे कोई ऑब्जेक्ट अप्लाई करना है, जैसे ऐड हो गया, सेव एज हो गया, नेम हो गया, कॉपी मूव, कुछ भी अप्लाई करना है। जैसे हम लोग वर्कबुक को करते थे कि हाँ, हम वर्कबुक्स और एक्टिव वर्कबुक का यूज करते थे, तो इसके ऑप थे मेरे पास कॉलिंग मेथड। और हमने समझाया कि वर्कबुक में आपको अगर फाइल नेम है तो वर्कबुक और ब्रैकेट में फाइल नेम डालें, अगर फाइल नेम की जरूरत नहीं है जैसे ओपन में, ऐड में, तो हम डायरेक्ट डाल देते हैं। सेम थिंग शीट्स के अंदर भी होता है। तो शीट का कॉलिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे हम करते हैं शीट, यहाँ पे जैन, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी डॉट सेलेक्ट, या इसके आगे जो भी हम करना चाहे कर सकते हैं, सीट जैन लिख दिया। दूसरा होता है शीट का प्रॉपर्टी नेम, कि सीट वन डॉट सेलेक्ट, या जो भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो मेजरली दो चीजों से किया जाता है। तो अगर आपको सीट का नाम पता है तो सीट नेम, तो इसका यूज कब करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारा जो सीट है ना, ये बार बार मंथ चेंज होता रहता है, अभी जैन है, अगला महीना फेब हो जाएगा, फिर मार्च हो जाएगा, फिर अप्रैल हो जाएगा। तो अगर आप इस नेम से सारे कोड्स को कॉल करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हर बार जब भी आप मंथ चेंज करेंगे यहाँ कोड आके चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम प्रॉपर्टी नेम लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम को यूजर चेंज नहीं कर सकता, कोई सीट नेम से इसका लिंक नहीं है, तो यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए हम प्रॉपर्टी नेम से चलते हैं। अब कैप्शन नेम सब कब चलेंगे, एक सेकंड दीजिएगा। तो सीट वन का प्रॉपर्टी नेम का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा सीट नेम फिक्स नहीं है, बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा सीट फिक्स होना चाहिए, अगर सीट फिक्स नहीं है, जैसे मान लीजिए आप सीट डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, फिर नेम दे देते हैं, तो उस पर प्रॉपर्टी नेम नहीं है। जैसे सीट डिलीट होगा प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाएगा। तो सीट अगर फिक्स है, बार बार रीनेम हो रही है, तो हम प्रॉपर्टी नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। और सीट का नेम फिक्स नहीं, फिक्स है पर सीट फिक्स नहीं, जैसे होता है ना हमारा डेटा समरी ऐसे सीट होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सीट की कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि सीट का क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक फोल्डर में 100 फाइलें रखी है, मुझे वन बाय वन 100 फाइल का डेटा उठा के कॉपी पेस्ट करना, अब 100 फाइल के अंदर सीट नेम क्या होगा पता नहीं, तो उस केस में हम सीट की सिक्वेंस नंबर से चलते हैं। जैसे सीट हमने वन कर दिया, देन हमने आप लिखते हैं सेलेक्ट, तो आप देखेंगे कि पहले सीट पे चला जाएगा। सीट अगर हम यहाँ पे 3 करते हैं और फिर देखेंगे तो सीट 3 पे चला जाएगा, तो चेंज होते रहेगा, ये हो गया। ऐसे मान लीजिए मुझे एक साथ तीनों सीट सेलेक्ट करना है, जनरली हम लोग कंट्रोल सेलेक्ट करके कर लेते हैं ना, तो
उसके लिए कोड लिखते हैं, उसके लिए दो तरीके कोड लिखते हैं। सीड्स, सीड्स में हम यहां देते हैं एरे, एरे में 1, 2, 3 ये क्या करेगा, तीनों शीट को सिलेक्ट कर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे शीट्स और हम यहां पे करते हैं यहां पे एरे, और यहां पे हम नाम भी दे सकते हैं सीट, जैसे कि जैन जैन कॉमा, मुझे मान लीजिए सीट 3 करना है, इस तरह से लिख सकते हैं। एक साथ कई सारे शीट सेलेक्ट करने का यूज होता है। अब ध्यान रखिएगा, हम सीट जैन डॉट सेलेक्ट के जगह पे या सीट 1 सेलेक्ट के जगह पे एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन यहां एक्टिवेट नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक बार में किसी एक सीट को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट हम कई सारे को कर सकते हैं, ठीक है सर। तो सिलेक्ट जो है हम कई सारों को कर सकते हैं, बट एक्टिवेट जो है हम सिर्फ एक को कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि मुझे अब सीट, ये तो होगी सीट की कॉलिंग मेथड में, लास्ट एक आता है एक्टिव सीट, जो सीट एक्टिवेट है वो। अब सीट पे क्या क्या करते हैं उसके कोड जान लेते हैं। जैसे मैं लिखा शीट्स डॉट एड, एक न्यू सीट ऐड हो गई। अब जो न्यू सीट ऐड हुई है उसको रिनेम करना है, तो उसके लिए लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू, जो भी देना है दे दीजिए, क्योंकि पता है आपको कि जो सीट एक्टिवेट हुई है वही रिने वही हुई है, आपका जो ऐड हुई है वही एक्टिवेट है, इसलिए है डाले। फिर यहाँ पे आता है कि मुझे पता है कि सीट डेटा शीट का नाम ही ऐड करना है, तो सीट्स डॉट ऐड, यहाँ पे सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू हमने कर दिया डेटा, ठीक है, हमने कर दिया डेटा, ठीक है। सर ये वाला समझ में नहीं आया, एक्टिव शीट ने डेटा कर दिया तो फिर दूसरा वाला करने की मतलब क्या, ये थी कोड समझा रहा हूँ, ये थोड़ी रिलेट कर रहा हूँ, कोई कोड दूसरे कोड से रिलेट नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अगर आपको सीट ऐड करने के बाद रिनेम करना हो तो इस तरह से ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको पहले पता है कि जो सीट ऐड होगी उसी को रिनेम, उसे डेटा शीट का नाम ही रिनेम कर। क्या होता है कि इसके बीच में कुछ बहुत सारे कोड लिखे, कोड लिखने के बाद डिसाइड करे कि क्या सीट का नेम होना चाहिए कुछ कैलकुलेशन पे कुछ फॉर्मूले में, तो उस केस में हम इस कोड का यूज करेंगे, क्योंकि इसके बीच में हमें कई सारे शीट्स को कई सारे वर्क को काम करने का परमिशन देता है, लेकिन मुझे डेटा शीट का डेटा नाम का सीट ही ऐड करना है तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। अच्छा अभी जो हम समझा रहे हैं ना, कोड समझा रहे हैं, इसमें ऊपर लिख लिए तो नीचे क्यों लिखेंगे, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। अब सीट रिनेम कर लिए हमने, तो अब बात करते हैं सीट को मूव करने की। देखिए अगर मैंने मान लीजिए सीट 1, अब सीट 1 के जगह पे इसमें से कोई भी मेथड हम लेंगे, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, मूव कर देंगे। ये क्या करेगा, या मान लीजिए हमने कर दिया सीट 1.copy, तो सीट 1 किसका प्रॉपर्टी नेम है, तो सीट 1 प्रॉपर्टी नेम है जैन का, तो जैन के ऊपर जाएगा, राइट क्लिक मूव एंड कॉपी, तो मूव जो है यहाँ पे न्यू फाइल सेलेक्ट करेगा, न्यू फाइल और मूव डायरेक्ट इसको मूव कर देगा, और क्रिएट कॉपी, यहाँ जो कॉपी है वो क्या करेगा, क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर देगा और एक नई फाइल में आपकी सीट को डाल देगा। लेकिन मुझे इसी फाइल में किसी सीट के पहले या बाद में करना है, तो यहां पे बिफोर और आफ्टर दिख रहे हैं, जैसे मुझे आफ्टर करने सीट 3, तो मुझे सीट का नाम लिखना है, लेकिन सीट की कॉलिंग मेथड के मेथड में, ऐसा नहीं कि सीट 3 लिख दे ऐसे इन्वर्टर वहां पे, नहीं, सीट्स के अंदर सीट 3 ऐसे। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे सीट 3 नहीं करना है, मतलब कि मुझे ये करना है सबसे लास्ट में ऐड, यहाँ सीट 3 लास्ट में था इसलिए डाल दिया, तो आप यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो तो काउंट डाल दीजिए कि 1, 2, 3 तीन सीट है, बट काउंट तो बढ़ते घटते रहते हैं, तो इस केस में यहाँ पे डाल दीजिए सीट्स
डॉट काउंट, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली जितने भी सीड्स होंगे उसकी काउंट निकाल कर देगा, फिर उसके हिसाब से लास्ट में ऐड कर देगा। लेकिन सेम फाइल में अगर आपके पास कोई और फाइल, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक TL नाम का फाइल है, तो अगर TL के अंदर डालना है तो मुझे यहाँ लिखना होगा वर्क बुक्स और उसके अंदर इन्वर्टर कॉमा में TL डॉट xlsm है, सॉरी xlsm डॉट। तो अब क्या करेगा कि जो TL वाली फाइल है उसके सबसे लास्ट में मेरा ये सीट जैन सीट को मूव कर देगा, कॉपी कर देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा TL सीट ओपन होना चाहिए, क्लोज है तो ऐसा नहीं है, क्लोज है तो फिर ओपन करने का कोड डालना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम सीट ऐड कर रहे हैं तो जब सीट्स ऐड करते हैं तो क्या होता है, सीट्स ऐड करते हैं तो जो सीट हमारा एक्टिवेट होता है ना, जो सीट हमारा एक्टिवेट होता है उसी के पहले ऐड करते हैं। लेकिन आप डाल सकते हो सीट बिफोर, मुझे लास्ट सबसे लास्ट में ऐड करना है तो एक कॉमा देंगे तो मेरा आफ्टर आ जाएगा, बिफोर हमारा स्किप हो जाएगा और फिर यहाँ हम डालेंगे सीट्स और सीट्स के अंदर सीट्स डॉट काउंट, या सीट का नेम डाल दें या नंबर डाल दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐड होगा। लेकिन एक बार में एक ही सीट ऐड होगा, लेकिन अगर मैं सीट्स डॉट ऐड और यहाँ पे बिफोर के आफ्टर हटा के काउंट में 5 डाल दिया, हालांकि हम यहाँ भी 5 डाल सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग डालना होगा, तो एक बार में वो 5 सीट को ऐड करेगा, कितने सीट ऐड करेगा 5 सीट को, समझे? यस तो 5 सीट को ऐड करेगा और हमने यहाँ कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद हम डिलीट की बात करते हैं, सीट 1 को मुझे डिलीट करना है, डिलीट या सीट्स और सीट और जैन को डिलीट करना है, तो ये तो आप इसके ऊपर डिपेंड करता है ना हमने क्या चूज किया, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो डिलीट अगर सिर्फ लिख के देते हैं तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिलीट करते समय आएगा इस तरह का पॉपअप और आपका माइक्रो रुक जाएगा जब तक कि आप इस पे डिलीट पे क्लिक नहीं करते, ठीक है? तो उस केस में ये होगा कि यहां आप लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो अलर्ट है उस अलर्ट को डिसेबल करते हैं और सीट आपका डिलीट हो जाता है। अब सीट डिलीट करने के बाद हम सीट को हाइड करते हैं, तो शीट्स या सीट 1 डॉट हिडन, हिडन है बीच पर, माफ कीजिएगा बीच पर इक्वल टू एक्सेल सीट हिडन, ये नॉर्मल हिडन होता है कि कोई भी, जैसे हम लोग डायरेक्टली करते हैं यहाँ पे हाइड कर लिए फिर यहाँ से अनहाइड कर लेंगे, तो अनहाइड करने के लिए कोई भी अनहाइड कर सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक आता है सीट 1 डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन, क्या है वेरी हिडन, इसमें अनहाइड करने के लिए क्या होगा कोड ही देना पड़ेगा, ये नॉर्मल यहां से अनहाइड नहीं होगा, तो इसके लिए आपको एक कोड रन करना पड़ेगा तब जाके अनहाइड होगा, क्या ये रहा आपका विजुअल। तो अगर आपको वेरी हिडन करना है कि आप चाहते हैं कि भाई कोई अनहाइड ना कर पाए, मैं ही प्रोग्रामिंग के जरिए अनहाइड कर पाऊं, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। अब यहां पे आता है सीट 1 डॉट प्रोटेक्ट, मुझे पासवर्ड डाल, यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए, तो ये क्या करेगा प्रोटेक्ट कर देगा, यहाँ पे जाएगा प्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन ये बहुत सारे चेकबॉक्स दिख रहे हैं ना, अब जिसको अनेबल करना है स्पेस मारते, देखिए इतना सारा एक्सप्रेशन है, आप बस कॉमा 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 करके ट्रू कर, जैसे मुझे अलाउ शॉर्टिंग है। अब यहाँ पे एक चीज और नई चीज सीखी है, अब मुझे शॉर्टिंग अलाउ करनी है तो मैं कॉमा 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 और फिर यहाँ पे ट्रू लिखूंगा, लेकिन तो बहुत प्रॉब्लम हो गई ना। तो दूसरा तरीका है, आप लिखिए सीट 1 डॉट प्रोट्रैक्ट,
ये बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में या इंटरनेट पे आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पासवर्ड कॉलन इक्वल, और यहाँ लिखूंगा अपना पासवर्ड जो भी नंबर पासवर्ड है। फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अलाउ सॉर्टिंग है ना, अलाउ सॉर्टिंग। फिर मैं यहाँ लिखूंगा ALLOWSORTING, सेम स्पेलिंग, कॉलन इक्वल। जैसे कॉलन इक्वल ला लेंगे, देखिए बोल्ड हो गया, बोल्ड हो गया मतलब कि आज का स्पेलिंग सही है और आए इसको रीड कर रहा है। इक्वल टू ट्रू कर दीजिए। ये सिर्फ इसमें नहीं है, मतलब कि प्रोटेक्ट में ही नहीं है, जितने भी शीट्स हो, वर्कबुक हो, रेंज हो, जितने भी हैं जिसके ये है आपके एक्सप्रेशन आता है, इसमें यूज कर सकते हो। जैसे मुझे मान लीजिए काउंट, मान लीजिए मुझे काउंट देना है, मुझे 5 सीट ऐड करनी है, तो हमने काउंट के लिए देखा आपने ए इतना सारा कॉमा लिखे, हम सिंपल यहाँ लिख सकते थे COMT काउंट सेमी कॉलन इक्वल। देखा काउंट बोल लो गया, हर जगह पर इसको हम इस सो मेथड को यूज कर सकते सर एक क्वेश्चन है, तो हमको अगर डायरेक्ट किसी किसी लास्ट वाले एक्शन पे जंप करना है तो कॉलन इक्वल करना पड़ेगा पहले वो एक्शन लिखकर, जी हाँ जी हाँ, बोल तो देता हूँ मैं, कॉलन आप कमा एक्शन कमा कमा करते चले जाओ या फिर आप इस मेथड का यूज कॉलन इक्वल सॉरी एक्शन देन कॉलन इक्वल और वो जो भी हम लोगों को एक्शन करना है वो। करो, जी हाँ बिल्कुल तो ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों में? सुपर गुड सर। ये अब हम बात करते हैं कि हम सीट पे इतना ही करते हैं ना, हम शीट को ऐड करते हैं, रिनेम करते हैं, डिलीट करते हैं, हाइड करते हैं, अनहाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं, कॉपी और मूव करते हैं, इतना ही करते हैं ना सीट पे। अब बोले सर हम सीट के अंदर टाइप डेटा भी टाइप करते हैं, प्यूबर्टी भी लगाते हैं, विल्टो भी लगाते हैं, तो वो सब रेंज पे होता है। किस पे होता है? रेंज पे, सीट पे नहीं होता है। सीट पे वही होता है जो सर राइट क्लिक करके आप ये करते हैं, ठीक है। तो अब yes, आप पूरे शीट की कीजिए। अब बात आती है प्रोजेक्ट्स की, तो पिछली प्रोजेक्ट मैंने आपको करके दिखाया था ना, ये प्रोजेक्ट आपको करना है, कर पाइएगा आप लोग? ये थोड़ा सा एडवांस है, इसके लिए आपको इंटरनेट वगैरह की मदद लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा, इंटरनेट की मदद लेना पड़ेगा, लेकिन मजा आएगा। तो प्रोजेक्ट क्या है, चलिए बात करते हैं, क्योंकि तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं पढ़ाई है, एक दो चीजें नहीं पढ़ाई है, लेकिन उसको इंटरनेट से जाना जा सकता है, और जरूरी है क्योंकि उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, जिसको हम लोग लूप कहते हैं, इसलिए जरूरी है सर। तो प्रोजेक्ट ये है कि मुझे डेटा करना है डाउनलोड, राइट, डेटा डाउनलोड करना, लेकिन मुझे डेटा डाउनलोड करना है पूरे 1 साल की, तो मुझे चाहिए टोटल 365 शीट, लेकिन मैं एक ही फाइल में 365 शीट नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं 365 शीट अलग अलग फाइल। मैं चाहता हूं कि आप 2022 का एक फोल्डर बनाए, उस 2022 के फोल्डर में 12 फाइल बनाए, जैन फाइल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से, और हर 12 फाइल में से आपने अगर अप्रैल किया है तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 शीट होने चाहिए, आपने जनवरी किया तो जनवरी के अंदर 31 सीट होते, 31 दिन होते थे, 31 शीट्स। तो आपको अभी बता देता हूँ कि आपको टोटल 365 शीट बनानी है, लेकिन उस शीट को कैटराइज करना है, मतलब कि अरेंज करना है मंथ के हिसाब से फाइलों में 12, समझ में आया? प्रोजेक्ट समझ में आया कि नहीं? नहीं सर, एक बार और रिपीट यस करेंगे। yes. मुझे 365 शीट चाहिए, लेकिन 365 शीट मुझे एक फाइल के अंदर नहीं चाहिए, 365 शीट चाहिए मुझे 12 फाइलों के अंदर, उसके मंथ के हिसाब से वो शीट्स उसके अंदर सेग्रीगेट हो जाए। जैसे कि जनवरी में 31 शीट होना चाहिए क्योंकि 31 दिन होते हैं, अक्टूबर में 28-29 सीट होने चाहिए क्योंकि 28-29 दिन होते हैं ईयर के हिसाब से, मार्च में 31 शीट होते हैं तो मार्च वाले फाइल के अंदर 31 शीट्स होने चाहिए, और सारे शीट्स का नाम 1, 2, 3, 4, 5 इससे नंबरिंग्स होना चाहिए, समझे? ओके सर, तो 12 फाइल, मतलब ईच फाइल 12 कंटेन सर,
सिर्फ मुझे फाइल और शीट ऐड करनी है, उसके अंदर डेटा शेटा नहीं डालना है, मैं फाइल और शीट ऐड करनी है बस। जी एक जनवरी की फाइल आप बनाएंगे, उसमें 31 शीट ऐड करेंगे, शीट का नाम एक से लेके 31 नंबरिंग में डालेंगे, 1 2 3 4 5। फिर आप एक शीट और ऐड करेंगे, उसका नाम फरवरी रखेंगे, और फरवरी के अंदर 28 29 शीट ऐड करेंगे, 28 या 29 जो भी ईयर के हिसाब से। फिर आप मार्च का शीट ऐड करेंगे, उसमें 31 दिन होते हैं, तो 31 शीट ऐड करेंगे, सिंपल। ओके सर, समझे? गॉट इट। जी सर, और इस प्रोग्रामिंग को कम से कम कोड में करना है। किसमें करना है? कम से कम कोड। और हाँ, जो होमवर्क जो ये प्रोजेक्ट नहीं करके लाएगा, गलत या सही करके लाना है, जो करके नहीं लाएगा उस पर फाइन लगेगा भाई। अब फाइन लगाऊंगा आप लोगों के प्रोजेक्ट पे, तो एक्सेल में आप लोग बड़ा दिक्कत किए हैं।